So next problem, my dear student, find Laplace transform of e raised to minus a t minus e raised to minus b t upon t. अपॉन पे t है, तो ये प्रॉब्लम हम डिवीजन रूल से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन पे मैं लिखूंगा टी और एक कंप्लीट. तो देखिए सबसे पहले मैं डीएस स्टूडेंट टी के ऊपर कौन से टर्म है ई रेस टू माइनस ए टी, इसका पहले मैं लैपलेस निकालूंगा ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी, इसका मैं पहले लैपलेस. तो सबसे पहले लैपलेस ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी का एंड देन माइनस करके लैपलेस ऑफ e रेस टू माइनस बी टी का, राइट. तो देखिए अब आप इसका लैपलेस ऑफ e रेस टू माइनस ए टी, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, वन अपॉन यस लिखना है, माइनस a है तो आपको लिखना है प्लस है, देन यहाँ पे माइनस लैपलेस ऑफ e रेस टू माइनस बी टी, तो वन अपॉन यस लिखना है, यहाँ पे माइनस b है तो आपको लिखना होगा प्लस b. तो ये हो गया आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म. अब हम सेकंड स्टेप में लेंगे बाय डिवीजन रूल. अब हम क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, डिवीजन रूल लेंगे, और डिवीजन रूल आपको पता ही है, आई इज इक्वल्स टू यस टू इंफिनिटी, और ये जो अभी आपने जो फाइंड किया है इसका लैपलेस क्या है, वो वन अपॉन, देखिए वन अपॉन यस प्लस ए माइनस वन अपॉन यस प्लस बी कंप्लीट, और यहाँ पे डीएस. तो वन अपॉन यस प्लस ए का, वन अपॉन एस प्लस ए का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, वन अपॉन एस प्लस ए का ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ एस प्लस ए, वन अपॉन एस प्लस ए का देखिए इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस वन अपॉन एस प्लस बी का. देखिए जब भी एस को पावर नहीं होगी ना, सिर्फ एस होगा, देखिए सिर्फ एस होगा और प्लस करके कोई भी वैल्यू रहने दीजिए, एस को पावर नहीं चाहिए सिर्फ, तो एस प्लस ए, तो एस को पावर है क्या, नहीं है, वन अपॉन यस को पावर ने सिर्फ यस है और प्लस ए, तो आप लिख दोगे लॉग और अपॉन पे यस प्लस से यस प्लस माइनस वन अपॉन यस प्लस बी का फॉर्मूला लॉग लिख दीजिए और अपॉन पे यस है सिर्फ पावर नहीं है सिर्फ यस है और प्लस बी, तो आप लिख दीजिए यस प्लस बी, यहाँ पे कंप्लीट और यहाँ पे आपका यस टू इन्फिनिटी. ओके देन नेक्स्ट स्टेप में यस की जगह में अपर लिमिट पुट करूंगा इन्फिनिटी, तो देखिए लॉग ऑफ यस की जगह इन्फिनिटी और माइनस लॉग ऑफ यस की जगह इंफिनिटी, राइट, देन माइनस करके, ये पहला हो गया माइनस करके लॉग ऑफ. अब इस यस की जगह लोअर लिमिट यस ही पुट करना है तो कोई चेंज नहीं होगा, यस की जगह यस पुट करना है तो यस ही तो आएगा, तो लॉग इस यस की जगह यस पुट करना है तो यस प्लस ए माइनस लॉग माइनस यहाँ पे लॉग, इस यस की जगह मुझे यस ही पुट करना है तो यस प्लस बी, कोई चेंज है, देखिए यस की जगह पहले अपर लिमिट, तो इस यस की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, देन इस यस की जगह इन्फिनिटी मैंने पुट कर दिया, देन माइनस करके अब लोअर लिमिट इस यस की जगह यस पुट करना है तो पुट कर दिया, यस ही तो आएगा, इस यस की जगह यस पुट करना है तो यस आएगा. ओके तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, अब आप लॉग इन्फिनिटी प्लस है तो यहाँ पे देखिए मैं लिख के दे रहा हूं, तो लॉग इन्फिनिटी प्लस है, मैंने पहले ही बोला इन्फिनिटी के साथ कोई भी रहने दीजिए, इन्फिनिटी के साथ कोई भी रहने दीजिए, इन्फिनिटी आएगा लॉग इन्फिनिटी होगा जीरो, और लॉग ऑफ इन्फिनिटी प्लस बी तो ये भी होगा आपका लॉग, और यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी प्लस बी, इन्फिनिटी के साथ कोई भी एड में रहने दीजिए, आंसर आएगा आपका इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी होगा आपका जीरो, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस कोई भी रहने दीजिए, इन्फिनिटी स्क्वायर रहने दीजिए, क्यूब कुछ भी रहने दीजिए, सिर्फ इन्फिनिटी देखिए इसे इन्फिनिटी कहते, और इन्फिनिटी के साथ कोई भी रहने दीजिए, आंसर इन्फिनिटी लिखिए, लॉग इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी प्लस है इन्फिनिटी होगा, कुछ भी रहने दीजिए इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी होगा लॉग इन्फिनिटी जीरो. तो देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तो इसका आंसर मैंने लिखा है लॉग इन्फिनिटी प्लस है, लॉग इन्फिनिटी प्लस है जीरो जीरो माइनस लॉग इन्फिनिटी प्लस बी, इसका भी मैंने आंसर लिखा है लॉग इन्फिनिटी प्लस बी कितना है जीरो जीरो, देन माइनस और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉग, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लॉग ऑफ यस प्लस बी ये ब्रैकेट कंप्लीट. तो जीरो माइनस जीरो इसे लिखे ही मत, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करें माइनस है तो ये मैं माइनस लिखूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा लॉग ऑफ यस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ यस प्लस बी, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है डियर स्टूडेंट, डायरेक्टली माइनस करके ये पूरा का पूरा लिख दीजिए. तो ये माइनस में इस लॉग को दूंगा तो माइनस
ये माइनस में पहले इस लॉग को दूंगा डी दे, देन ये माइनस फिर से इस लॉग को दूंगा, देखिए लॉग ये लॉग के टर्म में लॉग राइट ना, तो इसको माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ये लॉग एज इट इज यहाँ पे रहेगा एस प्लस बी। तो देखिए पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिखता हूँ लॉग की, तो लॉग जो भी पॉजिटिव टर्म है इसे लिखूंगा मैं एस प्लस बी, और जो निगेटिव है उसे बाद में लिखूंगा लॉग एस प्लस ए। दो लॉग की टर्म है और दो लॉग की टर्म के बीच में माइनस है, तो आपको लिखना है दो लॉग की टर्म है दो लॉग के बीच में माइनस है तो आपको लिखना है लॉग, ओके आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट लॉग, और एक ही लॉग लिखना है, तो पहले लॉग के बाद में कौन सी टर्म है एस प्लस बी, तो आपको लिख देना है यहाँ पे एस प्लस बी, और अपॉन पे दूसरे लॉग के बाद में कौन सी टर्म है एस प्लस ए, तो यहाँ पे लिख देना है आपको एस प्लस ए, ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए ये लॉग है ये भी लॉग है, दो लॉग के बीच में माइनस है तो आपको एक ही लॉग लिखना होगा, एक ही लॉग, पहले लॉग के बाद में क्या एस प्लस बी उसे लिखना है आपको ऊपर, और दूसरे लॉग के बाद में यस प्लस उसे लिखना होगा आपको नीचे। ये रूल होता है जब भी दो लॉग के बीच में माइनस होगा तो एक ही बार लॉग लिखे, पहले लॉग के बाद में जो टर्म होगी उसे ऊपर लिखे, दूसरे लॉग के बाद में जो टर्म होगी उसे नीचे लिखे, और ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।